अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस लाला रुख अपने चैनल अपनी लाला रुख के साथ हाजिर हैं। आपको अगले बुर्जों का बताते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि बेचैन और बेताब हो जाते हैं लोग। इतनी कॉल्स आती हैं दिन में कि हमारे बुर्ज का बता दें, हमारा बता दें, हमारी तारीख पैदाइश ये है, जल्दी से बता दें कि अभी साल हमारे लिए कैसा रहेगा। लीब्रा से हम शुरू करते हैं आप इस दफ़ा का लीब्रा, क्योंकि मैं खुद भी हूँ इसलिए मुझे फिर वही खूबसूरत कार्ड जो आखिर में निकला था वर्गो के लिए, लीब्रा के लिए भी वही निकला है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन जब पहली थी वॉन्ड्स, अब देखिए ये कप निकला है। कप होता है खुशी का प्याला। इंशाल्लाह 2024 लीब्रास के लिए एक बहुत खुश आइन साल होगा, जिसमें उनकी तमाम हसरतें, अरमान, जज्बात और जो वो ज़िंदगी से चाह रहे थे वो उनको मिल जाएगा। देखिए हर घर में बुर्ज में एक ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कुछ बुर्ज की अच्छाइयाँ उनमें होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि तमाम लीब्रास के लिए ये अच्छा हो। कुछ लीब्रास के लिए ये शहज़ादी जो कप पकड़ के हाथ में है वो उनकी ज़िंदगी से निकल चुकी होगी और वो बेचारे हसरत और अरमान में मर जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा अपना ज़ाती वो है। ठीक है, बहरहाल चूँकि मैं ख़ुद लीब्रा हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि तमाम लीब्रास के लिए 2024 उनकी ख्वाहिशें पूरी हों, उनके अरमान पूरे हों, उनके जज्बात पूरे हों और उनके लिए साल बहुत अच्छा रहे। फाइनेंशियली घर बनाना चाहते हैं घर बना लें, गाड़ी नहीं लेना चाह रहे हैं गाड़ी ले लें। इस साल मैं सोचूँ मैं भी एक गाड़ी ले लूँ, भले वो तीन पहियों वाली हो, बाइक कोई नहीं, चलती का नाम गाड़ी है। मैं कराची गई तो एक मेरे ऑफिस का लड़का कहता है मैं आपको आज छोड़ दूँ, मैंने कहा हाँ मैं नहीं नहीं गई थी, कहते मैंने कहा गाड़ी है, कहते हाँ है, बाहर गए तो बाइक खड़ी थी, कहते हाँ तो चलती का नाम गाड़ी है ना, चलती है तो ये भी गाड़ी है, तो अगर साइकिल से बाइक पे आ जाएँ तो गाड़ी है, बाइक से कार पे आ जाएँ तो गाड़ी है, चलती का नाम गाड़ी है। अल्लाह आप सबकी गाड़ियाँ चलाता रखे और सब लिब्रंस के लिए साल अच्छा करे। बहुत शुक्रिया। अगला है हमारा स्कॉर्पियो द बिच्छू। देखिए बिच्छू तो वैसे ही उसकी आदत मगर बिच्छू का कार्ड बड़ा अच्छा निकला है भाई। बिच्छू की फितरत है डसना, मगर ज़रूरी नहीं होता कि जो बिच्छू का साइन बना हुआ है स्कॉर्पियंस का वही हो। ये साल उनकी शादी का साल है। इस साल में हमारे घर इस वक्त मेरे साथ भी एक बिच्छू बैठा हुआ है सीधे हाथ पे, उसकी शादी हो जाएगी और फड़ाया जाएगा। वो बड़ा अच्छा गाना है ना, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े, शादी सबकी होनी है, जिनकी नहीं हुई वो मर रहे हैं शादी करने के लिए और वो भी फड़े जाएंगे और जिनकी हो गई है वो भी फड़े जाएंगे। सात जो होता है नंबर, ये बुर्जों में और न्यूमरोलॉजी में सबसे खूबसूरत नंबर है। सात दिन हफ्ते के, सात आसमान, सात ज़मीन की वो लेयर्स, सात कॉन्टिनेंट्स, सात दरिया, सात फेरे खाने काबा के, सात सातवें आसमान पे अल्लाह, सात दिन हफ्ते के तो मैं बता चुकी हूँ। इसी तरह सात का नंबर जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। कोई काम करना हो स्कॉर्पियोस को, सात तारीख को करें, सातवें महीने में करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, सेजिटेरियस जो होते हैं, जो मेरे करीबी दोस्त भी हैं और मेरे साथ भी हैं, उनके लिए भी ये साथ अच्छा बड़े पॉजिटिव कार्ड्स निकल रहे हैं, कभी डेथ और फूल नहीं निकला। ये है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव वॉन्ड्स जो होते हैं वो अक्ल की, दानिशमंदी की निशानी होती है। ये पांच लड़कियां जो डांस कर रही हैं पीछे पूरा चांद है, और अगर आप करीब से देखें तो एक इसमें ये कौवा बैठा है। कौवा जो है ना, जो हमारा ये साइंस है टैरो कार्ड का, उसमें ये अक्लमंदी दानिशमंदी की निशानी होती है। वॉन्ड्स भी अक्लमंदी की है। ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा इस सेंस में कि आप अक्लमंदी से, दानिशमंदी से हर काम में हाथ डालें। बच्चों को बाहर भेजना है, जगह की इन्वेस्टिगेशन करें, आपने खुद माइग्रेशन करनी है। जैसे मुझे कॉल्स आती रहती हैं कि हम फलाने मुल्क जाने चाहते हैं फलाने मुल्क, देखिए प्लीज़ जहां आपके भाई बहन हैं कम्फर्ट जोन देख के ना करें, वो फैसले करें जो आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। इसके बाद आते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जो होते हैं बड़े नरम दिल बंदे होते हैं, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। इनका निकला है द स्टार। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए भी ये साल देख कितने माशाल्लाह अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ मेरे हाथ में एक भी बुरा कार्ड नहीं आया। ये इनका चढ़ते सितारे का वक्त है और अल्लाह इनके लिए सब बेहतरी करेगा। पैसा, घर, बच्चे, बाहर जाना, नौकरी, तालीम, हर चीज़ में आपका सितारा चढ़ेगा। मेक योर डिसीशंस इस साल में 2024 आपके लिए चढ़ते सितारे का साल है। आपका सितारा ऊपर रहेगा,
आपने अपने फैसले समझ बूझ के करने हैं, मगर आपको कामयाबी होगी इंशाल्लाह। छठा, इसके बाद आते हैं एक्वेरियस। उफ, एक बुरा कार्ड आया है। एक्वेरियस जो है, मैंने अपनी 40 साल बर्थडे एक्वेरियस मनाई है। इनका निकला है थ्री ऑफ हार्ट्स, तीन तलवारें दिल के अंदर खुबी हुई हैं। अच्छा, एक्वेरियस जो होते हैं ना, अपने वक्त से बहुत आगे सोचते हैं, बहुत आगे चलते हैं, मगर बाज़ दफ़ा चोट खाकर बहुत बुरी तरह गिरते हैं और ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। अपने दिल को कंट्रोल में रखिए, अक्ल से इस्तेमाल कीजिए, किसी भी फैसले में दिल का ना कीजिएगा। दिल से जो फैसले किए जाते हैं उनमें अक्सर आपको नुकसान होता है। कोशिश करें कि अपने दिल को साइड पे रखें और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। एक्वेरियस के लिए ये साल ज़रा सोच समझ के चलने का साल है। नीचे लड़की बनी हुई, अक्सर लड़कियों के दिल ज़्यादा टूटते हैं, लड़कों के ज़रा कम टूटते हैं, लड़के आगे निकल जाते हैं, लड़कियाँ हाय अल्लाह करती ही रहती हैं। 6 महीने साल गुजर जाते हैं, फिर भी उनके दिल काबू में नहीं आते। कोशिश करें दिल से फैसले ना करें। आखिरी हमारे पास हाउस रह गया पाइसिस। पाइसिस के लिए निकला है एट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स जो होते हैं, ये दुनिया की तमाम नबातात, नेचर आपके हाथ में है। 4 की जगह 8 हैं, डबल अल्लाह ने आपको मौके दिए हैं कोई अच्छा फैसला करने के, कोई अच्छी डायरेक्शन में जाने के, कोई अच्छा काम करने के। आपने अपनी इस तमाम रहमतों को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना है, फैसले भी अच्छे करने हैं, अपने साथ के दिल के लोगों को भी अच्छी तरह लेके चलना है और कोशिश ये करनी है कि सबके लिए आप फ़ायदा मंद रहें, नुकसान देना हो। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा रहेगा और हम इसको एक अच्छा मुल्क बना के, जिसकी मईशत स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वकला स्ट्रॉन्ग हो, जिसके जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, पुलिस स्ट्रॉन्ग हो, नेकोकार हो जाए, हम अच्छे हो जाए, ईमानदार हो जाए, हमारे दिल पाक और साफ हो जाए। आपके लिए एक वजीफ़ा तमाम लोगों के लिए, सबके लिए खुला वजीफ़ा है। जितनी दफ़ा दिन में करेंगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। 7 दफ़ा दुरूद शरीफ, 7 दफ़ा सूरह कौसर, 7 दफ़ा फिर दुरूद शरीफ। जिस नमाज के बाद पढ़ें, कोशिश करें कि हर नमाज के बाद पढ़ें, नहीं पढ़ सके तो 2 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं। आपको इससे अल्लाह के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हल्का लतीफ वजीफ़ा है, हल्की पढ़ाई है, लेकिन बहुत कारामद, बहुत बहुत आपके लिए फ़ायदा मंद। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।